नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग अपना रिवीजन चालू करते हैं और पूरा एक एक मंथ करके पिछले जून से अभी तक का सारे न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बस देखेंगे। पहली न्यूज़ हमारी कि नासा ने डेवलप किया है फर्स्ट एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन मिशन। एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक कोई मिशन इन्होंने डेवलप किया है। उस मिशन का नाम क्या है? डार्ट, बस इतना याद रखिएगा, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें सिंपल सा क्या होगा? सिंपल सा ये होगा कि एस्टेरॉयड कोई इधर मतलब कि जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है, उसको एक इधर से एक समझ लीजिए कि मिसाइल की तरह किसी एक रेफ्रिजरेटर के बराबर की एक वस्तु होगी, उससे एक काइनेटिक पुश प्रोवाइड करेंगे और उस काइनेटिक पुश से वो देखेंगे कि उसका एक एंगुलर मोमेंट मतलब हल्की सी वेलोसिटी जो है फ्रैक्शन में ही चेंज होगी, लेकिन वो फ्रैक्शन में बहुत पहले, जैसे कि मान लीजिए 2022 तक उसको जो है यहाँ पे आकर के इंपैक्ट करना है। अभी अगर उसका एक फ्रैक्शन हम चेंज कर देंगे अगर उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन का, तो जब तक वो पृथ्वी के पास पहुंचेगा तब तक वो जो है यहाँ से दूर हट जाएगा अपनी कक्षा से, ठीक है, और पृथ्वी से नहीं टकरा करके कहीं और निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में काइनेटिक इम्पैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये भी चेक करने वाले हैं कि हमारा काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कितना यहाँ पे जो है काम करने वाली है। डार्ट ये चीज़ है, ठीक है। एस्टेरॉयड कौन सा है? एस्टेरॉयड याद रखिएगा डिडिमोस, ठीक है। डिडिमोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ट्विन, जिसके दो हैं, एक डिडिमोस ए और डिडिमोस बी है, ठीक है। छोटा वाला जो बी है उस पर हम इसको टकरवाएंगे और काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका किसका एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन डार्ट के बारे में। अगली न्यूज़ है हमारी कि रिलायंस जियो लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट 100 Gbps का सबमरीन केबल सिस्टम। बस इतना याद रखना किसने जो है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 100 Gbps का सबमरीन केबल सिस्टम कौन लॉन्च कर रहा है? तो बस रिलायंस जियो इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। ये AAE का मतलब समझ रहे हैं, AAE का मतलब हो गया कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करेगा और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट 25,000 किलोमीटर का एक सबमरीन केबल सिस्टम होगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ कुछ नहीं जरूरत है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तीसरी हमारी न्यूज़ क्या है कि मिज़ोरम की 31वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 30 जून को मनाई गई। तो है क्या मिज़ोरम स्टेट जो है, ये आपको दिख रहा है लाल कलर से, ये है हमारा मिज़ोरम स्टेट। मीज़ो पीस एकार्ड साइन हुआ था, उसकी जो है 31वीं सालगिरह है। तो हुआ क्या था, 30 जून 1986 को मीज़ो पीस एकार्ड जो है साइन हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ पे दो दशकों का वायलेंस था, ठीक है, वो पूरी तरह से शांत हो गया और मिज़ोरम को एक स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया, पूरा एक स्टेट प्रोवाइड किया गया और उसके बाद से मीज़ो जो भाषा थी उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में एक भाषा का दर्जा प्रोवाइड किया गया और इसके बाद से ये मिज़ोरम की काया ही पलट हो गई। जहाँ पूरा वायलेंस था वहाँ से ये प्रोग्रेस के पाथ पे आगे चलने लगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे स्टेबल कोई स्टेट है तो वो मिज़ोरम इस समय है, ठीक है। तो उसके लिए उस टाइम पे क्या हुआ था, तो MNF मीज़ो नेशनल फ्रंट के लीडर हुआ करते थे लाल दांग और मिज़ोरम चीफ सेक्रेटरी जो है लाल खामा और यूनियन होम सेक्रेटरी RD प्रधान के बीच में ये मीज़ो एकॉर्ड साइन हुआ था। कब? तो 30 जून आपका 1986 में। नेक्स्ट करते हैं, नासा ने लॉन्च किया है रॉकेट टू प्रोड्यूस कलरफुल आर्टिफिशियल क्लाउड। होता क्या है कि ये जो क्लाउड होते हैं ये क्या होता है, तो जो आपके साउंड रॉकेट होते हैं, साउंड रॉकेट जो है साउंडिंग रॉकेट का हम लोग यूज़ करते हैं कलरफुल क्लाउड प्रोवाइड करने में, मतलब कि लो एटमॉस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर में जाएंगे और लाल रंग, हरे रंग, इस तरह से कलरफुल जो है ये क्लाउड प्रोड्यूस करेंगे और वो क्लाउड में कैसे कैसे वो क्लाउड जो है डिसअपीयर हो रहा है उसके हिसाब से हम मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इतना याद रखिएगा, कलरफुल क्लाउड जो है साउंडिंग रॉकेट से प्रोड्यूस किया जाता है और इसका सिंपल सा इतना सा यूज़ होता है कि इससे हम लोग जो है स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आइनोस्फीयर के बारे में। तो आइनोस्फीयर क्या होता है, आइनोस्फीयर आपका 80 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 800 किलोमीटर तक का ये जो रीजन होता है थर्मोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर से लेकर एक्सोस्फीयर के बीच में आइनोस्फीयर इज कॉल्ड बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं सोलर के रेडिएशन में। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको ये पता है कि इसका जो इनर एज होता है वो मैग्नेटोस्फीयर भी होता है। 50 से 1000 किलोमीटर तक की टिपिकल स्ट्रेच में ये आता है और प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ इट रेडियो प्रोपोगेशन जो होता है तो इसमें DE और F लेयर होती है और उसी कारण जो है रेडियो का प्रोपोगेशन भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेडियो का प्रोपोगेशन भी अर्थपेस से होता है, ठीक है। और
अरोरा जो होते हैं, पोलर अरोरा जो होते हैं, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला हमारा न्यूज़ है कि अंकित कवात्रा को जो है क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड 2017 दिया गया है। तो हुआ क्या था, क्वीन कौन, एलिजाबेथ सेकंड, बकिंगहम पैलेस में इन्होंने क्वीन का यंग लीडर्स अवार्ड एंटी हंगर एक्टिविस्ट अंकित कवात्रा को दिया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली हुई है एक तरह से, उसका नाम क्या है, फीडिंग इंडिया, ठीक है। फीडिंग इंडिया के फाउंडर हैं और इसका एक ही काम है कि 43 शहरों में, इंडियन सिटीज़ में 4500 वॉलंटियर के थ्रू 8 मिलियन लोगों को, निडी लोगों को जो है ये भोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अंकित कवात्रा को क्वींस मेडल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड दिया गया। अगली न्यूज़ हमारी है, मनी पार्क्ड बाई इंडियंस इन स्विस बैंक हिट रिकॉर्ड लो। स्विस बैंक में भारतीयों का जो पैसा जमा है वो इसमें सबसे रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, ठीक है। इतना रखिए, स्विस का क्या है, स्विस की करेंसी जो वहाँ पे है वो फ्रैंक होती है, FRANCS, ठीक है, फ्रैंक्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी, जर्मनी ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। जर्मनी ने सेम सेक्स यानी गे मैरिज और जो है लेस्बियन मैरिज को, इसको लीगलाइज कर दिया है। तो क्या यूरोप में ऐसा करने वाला ये पहला देश है, नहीं। 1995 में डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया था आयरलैंड में, और उसके बाद वहाँ पे भी जो आयरलैंड में इसको सेम सेक्स मैरिज को लागू कर दिया गया था। जर्मनी में 2001 से सिविल पार्टनरशिप के रूप में जो है सेम सेक्स कपल्स जो है वो रह सकते थे, लेकिन मैरिज की जो पॉसिबिलिटी थी वो अब उनको मिली है, और अब वो जो है क्या, वो बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन सब में सिविल मैरिज आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड, बट ऑस्ट्रिया एंड इटली में ओनली सिविल पार्टनरशिप परमिटेड है। इटली जो है जहाँ पे आपको पता है पूरा कैथोलिक कल्चर से पूरा वही रिच है, रोम कल्चर भी वहीं पे था पूरा, तो वहाँ पे सिविल पार्टनरशिप तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी मैरिज का इसको दर्जा नहीं मिला है, और ऑस्ट्रिया में भी नहीं मिला है, और सब में लगभग मिल चुका है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है कि ADB ने कमिट किया है कि कि $10 बिलियन देगा किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक। तो जो इमीडिएट डेवलपमेंट की ज़रूरत है इंडियन स्टेट्स को, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन जो है USD जो है प्रोवाइड करेगा। ADB है क्या, ADB बस इतना याद रखेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक के बेसिस पे ही ये एकदम जो है उसी की कॉपी पे ये बना हुआ है। इसका मेन काम, एम क्या है, वो है रिड्यूस करना पावर्टी को, कहाँ पे, एशिया और पैसिफिक रीजन में, कैसे, थ्रू इंक्लूसिव इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ से और रीजनल इंटीग्रेशन से, रीजनल इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव जो है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ से जो है इसको ऐसा करना, अचीव करना। ADB में टोटल जो है 67 पार्टनर्स हैं, 67 मेंबर्स हैं, और उसमें से 48 मेंबर्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, जबकि रेस्ट मेंबर जो 19 हैं वो कहाँ पे, तो वो आपका जो है वो बाहर, इससे जो है बाहर से आते हैं, ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है कि साइरा ODC बिल्डिंग इज इन कोयम्बटूर रिसीव्स वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ग्रीन रेटिंग। साइरा ODC बिल्डिंग कहाँ पे, तो साइरा ODC बिल्डिंग आपकी कहाँ पे, कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में, इसको ग्रीन रेटिंग बिल्डिंग, वर्ल्ड की जो है सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग जो है ग्रीन बिल्डिंग इसको मिला है। कौन, तो लीड सर्टिफिकेट मिला है, LEED, लीड क्या होता है इसको आप देख लीजिएगा। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग सिंपल सा, आर डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड टू रिड्यूस ओवरऑल जो इम्पैक्ट ऑफ बिल्ड इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ओवरऑल जो है जो कम करता है उसकी ज़रूरत को, उसको जो हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। ग्रीन बिल्डिंग जो है इफेक्टिवली यूज़ करती है एनर्जी को, जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी को, वाटर को और अदर रिसोर्सेज को, प्रोटेक्ट करती हैं ऑक्यूपेंट की हेल्थ को, इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को, और रिड्यूस करती हैं वेस्ट को, ठीक है। एट द सेम टाइम पोल्यूशन और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन होने से भी इसको बचाती हैं। एम क्या है ग्रीन बिल्डिंग का, मिनिमाइज करना है डिमांड ऑन नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, उन पर डिमांड को कम करना, और कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके उसको यूज़ करना, और रिसोर्सेज की जो है रीयूज किया जा सके रिसोर्सेज को, एट द सेम टाइम मैक्सिमम रीयूज़, रिसाइकिलिंग और यूटिलाइजेशन हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, यही जो है मोटो है ग्रीन बिल्डिंग्स का।
और LEED लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट एनर्जी डिग्रेडेशन, या फिर जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है लीड का, ठीक है, लीड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, US सेल कर रहा है C-17 ग्लोब मास्टर। तो C-17 ग्लोब मास्टर क्या है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया को कौन सेल करेगा, तो ये US सेल करेगा, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, C-17 ग्लोब मास्टर USA से इंडिया को मिला हुआ है, और एक और फिर जो है प्रोवाइड करेगा। कौन कंपनी इसको बनाती है, तो याद रखिएगा इसको बोइंग का है, ये बोइंग का बना हुआ है, ठीक है, बोइंग से है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, अगली न्यूज़ है हमारी कि यूनेस्को शाहजहाँ को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। यूनेस्को ने शाहजहाँ कहाँ पढ़ता है, ये UAE में पढ़ता है, और इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में वो किया। तो शाहजहाँ ने लोगों के अंदर में बुक पढ़ने की रुचि को बढ़ाने के लिए, और वो लोग जो कि इकोनॉमिकली उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन तक जो है बुक को पहुंचाने में जो अपना इफेक्टिवली काम किया है, उसको सराहते हुए यूनेस्को ने शाहजहाँ को जो है बुक कैपिटल के रूप में जो है घोषित किया, कब का, 2019 का, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। शाहजहाँ चूजन फॉर इट्स एफर्ट टू मेक बुक एक्सेसिबल टू एंटायर पॉपुलेशन। और मिडिल ईस्ट का एक तरह से अगर देखिए तो ये पहला है, मिडिल ईस्ट का ये पहला कंट्री है, और टोटल ये 19वीं सिटी है। क्या दिल्ली का भी इसका रह चुका है, तो याद रखिएगा हाँ, दिल्ली जो है 2003 में जो है दिल्ली जो है रह चुका है बुक कैपिटल। लेटेस्ट 2018 कौन सा, 2018 का जो एथेंस था, 2018 ये जो चल रहा है इसका एथेंस है, 2019 के लिए जो शाहजहाँ है, ठीक है, और इंडिया से दिल्ली रह चुका है, ठीक, वेरी गुड। फर्स्ट अमंग द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से फर्स्ट है, और अरब वर्ल्ड से जो है ये तीसरा है, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर बात करें तो उसमें क्या आता है, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, UAE, ये सब आते हैं। और इसके पहले भी ये लाइक कैपिटल ऑफ अरब कल्चर का खिताब भी इसको मिल चुका है, कैपिटल ऑफ इस्लामिक कल्चर का खिताब भी 2014 में इसको मिला था, और कैपिटल ऑफ अरब टूरिज्म का भी खिताब इसको मिल चुका है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2001 से हर एक एनुअली जो है डेजिग्नेट ए सिटी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में, बिगनिंग विद द डेजिग्नेशन ऑफ मैड्रिड। अगली न्यूज़ हमारी है कि एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है US एम्बेसडर, कहाँ का, पेरू का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं, कौन है ये बंदे, नहीं मेन इंपॉर्टेंट है पेरू का, पेरू की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। एक पेरूवियन करंट है, ये पेरूवियन करंट कोल्ड करंट है या फिर जो है गर्म करंट है, हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है। तो याद रखिएगा ये जो है आपकी ये कोल्ड करंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है क्या कि नालसा ने लॉन्च किया है एक वेब एप्लीकेशन, किसके लिए, लीगल सर्विसेज टू प्रिजनर्स को प्रोवाइड करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है आपके नॉर्मल सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है प्रिजनर्स को, किसके द्वारा, नालसा के द्वारा, ठीक है। नालसा क्या है आपकी, तो नालसा के बारे में आप सर्च कीजिए, क्या ये 1988 में इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा हाँ 1987 में नालसा जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये है क्या, तो इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका एक ही काम है कि ये फ्री लीगल एड इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में, जो कि पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो कि वकीलों को नहीं कर सकते अपने काम के लिए अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, ठीक। आपको ये पता होगा कि लोक अदालत जिसका एक ही मोटो है एमिकेबल सेटलमेंट्स, लोगों के बीच में कैसे सौहार्दपूर्ण जो है विवादों को निपटारा किया जा सके, वो भी नालसा का ही प्रयोग है, नालसा ही उसको ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत को, ठीक है। ट्रांसजेंडर का जो केस था, ट्रांसजेंडर को जो है थर्ड जेंडर का स्टेटस मिलना, ये भी नालसा का केस था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है नालसा का काम है, तो उसी में से नालसा ने ये किया है कि जो प्रिजनर्स हैं और उनको लीगल एड नहीं मिल रही है, उनके लिए एक जो है वेबसाइट लॉन्च की है, वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक ऐप है जिससे प्रिजनर्स जो है फ्री सर्विसेज टू प्रिजनर्स को मिल सकती है, ठीक। NIC के द्वारा जो है ये लीगल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है, और सारी अथॉरिटीज़ जो है इसमें अपने डाटा को फीड करेंगी कि इंडिविजुअल प्रिजनर इनमेट्स को
और जो उनके जुरिडिक्शन में आ रहे हैं, जिससे जो है इनको क्लियर होगा कि किसको कौन सी डाटा नहीं मिल रहा है, और जो भी अंडर ट्रायल होगा उनको जो है ये लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगली न्यूज़ पे हम आते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है कि यूएस ने इशू किया है न्यू वीज़ा क्राइटेरिया 6 मुस्लिम कंट्रीज़ को। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको भूल जाइए, क्योंकि ये समय के साथ इसका काम खत्म हो चुका है। अगला है, इंडिया ऑफर किया है 10, ये कितना है, $1,00,000 किसको, यूएन टैक्स फंड को। यूएन टैक्स फंड को जो है $1,00,000 जो है इंडिया ने दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस टैक्स फंड को $1,00,000 देने वाला इंडिया पहला कंट्री भी बना है। ये यूएन टैक्स फंड जो है किस में आता है, तो यूनाइटेड नेशंस के 6 आर्गन हैं, उनमें से एक आर्गन है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये चीज़ आता है। इसका सिंपल सा काम क्या था, इसका सिंपल सा काम था कि इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है टैक्स मैटर्स में वो मेंटेन रखना, ताकि जो फ्रॉड होते हैं टैक्स का, लोग यहाँ से टैक्स मतलब जिसको बोलते हैं कि बेस का इरोजन करके प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लोग ना कर सकें। टैक्स के जो है डाटा का पूरा आदान प्रदान होगा, और हर जगह जो है कोऑर्डिनेशन उस मैटर पे होगा, हर कंट्री जो कोऑपरेट करेगी, तो कोई भी ऐसा हेवन जो है टैक्स हेवन बच ही नहीं पाएगा जहाँ पे ये लोग भाग सकें। तो इसी को फुलफिल करने के लिए यूएन ने यूएन टैक्स फंड बनाया था। इसमें अभी तक वॉलंटरली इसमें जो है पैसा दिया जाता है, और किसी ने अभी तक इसमें जो है सब्सक्राइब नहीं किया था, पैसा नहीं दिया था। यूएन टैक्स फंड ने काफ़ी बार अपील भी की थी 2006 में। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, यूएन टैक्स फंड को जो 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके बाद इसने 2015 की जो अपनी कॉन्फ्रेंसेस की हुई थी उसमें भी इसने जो है, ये थर्ड इसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी अपील किया था कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप जो है इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम अपने एक्टिविटी को और बढ़ा सकें आगे, और एक वर्ल्ड को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मोड पे ला सकें हम टैक्स के मैटर्स में, ठीक है। तो उसमें इंडिया ने सबसे पहले इसको रिस्पॉन्ड किया है, और इंडिया ने उम्मीद की है कि और देश भी इसलिए जो है इसमें आगे करेंगे। तो यूएन टैक्स फंड जो है उसमें इंडिया पहला कंट्री बनाया जिसने $1,00,000 का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे हम चलते हैं। अगला मुद्दा क्या है हमारा, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है क्या, सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो था उसका 100वां साल हो गया है, उसको जो है इन्होंने पीएम ने जो है उसको इनॉग्रेट किया है। तो याद रखिएगा, साबरमती के नदी के तट पर जो है साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में बना हुआ है, ठीक है। और श्रीमद राजचंद्र जी, ठीक है, राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी, इनको जो है ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते थे, श्रीमद राजचंद्र जी, उनका जो है इन्होंने पोस्टल स्टाम्प भी उस दिन जो है इशू किया था, ठीक है। गांधी जी ने यहीं से जो साबरमती आश्रम था, यहीं से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से, और फिर इस आश्रम में लौट के नहीं आए थे, क्योंकि गांधी ने कहा था कि मैं इस आश्रम में तभी लौटूंगा जब मुझे पूरा स्वराज्य मिल जाएगा, मतलब कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो श्रीमद राजचंद्र जी हैं ये जैन पोएट और फिलासफर स्कॉलर थे, रिफॉर्मर भी थे, और ये जैन पोएट थे, याद रखिएगा, मेनली इनकी ये चीज़ आपको बतानी थी। और कोई चीज़ में इंपॉर्टेंट, तो 100वां साल साबरमती आश्रम का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा यह है कि नासा ने अचीव कर लिया है क्या मेजर माइलस्टोन इन डेवलपिंग क्वाइटर सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक मतलब कि जो है साउंड की स्पीड से ऊपर की स्पीड, दैट इज़ सुपरसोनिक, एक से ज़्यादा, ठीक है, 2 मैक 3 मैक 4 मैक, ये सब जो स्पीड है ये आपकी जो है सुपरसोनिक स्पीड होगी। और इस स्पीड पर भी क्वाइटर बहुत ही शांति से जो है, जेट जो है बहुत आवाज़ करते हुए जाता है, तो बहुत शांति से जो है इसको ले जाए, तो इसके लिए जो है नासा ने जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुआ है, तो इस चीज़ को QUESST, ठीक है, क्वाइट सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नासाज कमर्शियल सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये चीज़ आती है, लो बूम फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। अगली न्यूज़ हमारी क्या है कि गवर्नमेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन फॉर रोल आउट ऑफ GST। GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि हम कब की न्यूज़ बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको 29 जून की न्यूज़, 1 जुलाई 2017 से GST आ जाएगा। और GST जो है संविधान का क्या है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही आया हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है आपका नोटिफिकेशन इशू किया था। चलिए एक और पॉइंट याद रखिएगा कि GST जो है
फ्रांस जो है ये पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी कब, 1954 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। और मोर देन 140 कंट्रीज ने इंप्लीमेंट किया हुआ है अपने जीएसटी को। भारत में अगर जेनेसिस देखी जाए जीएसटी की, तो ये जो है एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की जो थी, उसमें सबसे पहले असीम दास गुप्ता कमेटी ने इसको डिज़ाइन किया था, टू डिज़ाइन ए मॉडल फॉर जीएसटी, इसके लिए ये कमेटी बनी थी। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट ने सेटअप की थी कमेटी असीम दास गुप्ता की, कि क्या जीएसटी का मॉडल होना चाहिए। और फर्दर जो है यूपीए गवर्नमेंट ने इस मैटर को आगे बढ़ाया और कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 से जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते आपका 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1 जुलाई 2017 को जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए, इसके मतलब क्या है कि जितने भी इनडायरेक्ट टाइप के टैक्सेस है सबको सब्स्यूम करके एक ही टैक्स में डाल दिया गया है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस था, एक्साइज एंड कस्टम था, उसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हो गया है। ठीक, तो ये चीज़ थी आपकी जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चले, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है, इसरो ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है GSAT-17 सेटेलाइट को। GSAT-17 अगर आप है, GSAT कुछ है तो आप याद रखिएगा, GSAT-17 एक क्या है, एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। और इसको किसने, इसरो ने जो है एरियन 5 रॉकेट से। और GSAT चूंकि हम तब क्या है, हमारे पास Mach 3 GSAT को लॉन्च करने के लिए हमारे पास जियोसिंक्रोनस लॉन्च वेहीकल होना चाहिए था, GSLV होना चाहिए था, GSLV Mach 3 हमारे पास जो है डेवलप नहीं था, तो इसके लिए हमने इसको एरियन 5 से जो है लॉन्च करवाया था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट पर इतना रखिएगा GSAT-17। पेटिया रैंसम वेयर साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक पेटिया रैंसम वेयर का हुआ, जिससे काफ़ी वर्ल्ड के जो है काफ़ी कंप्यूटर सर्वर जो है प्रभावित हुए। इसमें सिंपल सा क्या हुआ था, डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब कि सिंपल सा आपका अनलॉक किया गया था, इसको लॉक अनलॉक मतलब इसको पूरा लॉक कर दिया गया था, आपका एक्सेस को जो है लॉक कर दिया गया है। और आपको अपने ही कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए कुछ रैंसम देना पड़ता था। रैंसम जैसे होता है क्या कि उतना पैसा आप जो है दो, फिरौती मांगी गई थी आपसे, और वो बिटकॉइंस में मांगी गई थी। ठीक है, तो वही इसका नाम है पेट्रा रैंसमवेयर जो है साइबर अटैक। ये मेनली कहाँ हुआ, इंडिया में भी जो जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट था उसके टर्मिनल के ऑपरेशन को इसने प्रभावित किया। इसके अलावा वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज को प्रभावित करने के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा रसिया, और जो है उससे भी ज़्यादा जो है आपका इसने यूक्रेन के जो है सारे सिस्टम को प्रभावित किया, वेबसाइट्स को प्रोवाइड किया। एक चीज़ पता की गई कि यूक्रेन का जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था उसमें अपडेट होने के कारण जो है उसमें जो है ओरिजिनेटेड इसीलिए किया ही गया था कि ये एक पर्टिकुलर टारगेटेड था कि एक जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था यूक्रेन के कंपनी द्वारा उसको उसके अपडेट में जो है ये टारगेट किया गया था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसीलिए क्लियर है कि सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत इसके कारण जो है यूक्रेन का है, उसका रीज़न यही है क्योंकि यूक्रेन में सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक, और इसके पहले पेट्रिया के पहले जो है WannaCry जो है रैंसमवेयर आया था इंडिया में। ठीक है, पेट्रिया के पहले WannaCry रैंसमवेयर आया था, और इसमें सिंपल सा ही था कि अनलॉक कर देता था, अनलॉक करना है कंप्यूटर फाइल्स को आपकी ही, तो उसके लिए जो है ये रैंसम मांगता था कि इतना आप दीजिए हमको। नेक्स्ट चलते हैं, तो साइबर अटैक में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है, चाइना ने लॉन्च किया है बिगेस्ट नेवल डिस्ट्रॉयर। नेवल डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है, एक नेवल शिप जो कि डिस्ट्रॉयर का काम कर सकती है युद्धक के रूप में, तो सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रॉयर उसने जो है चाइना का अपना सबका बड़ा जो है डिस्ट्रॉयर ये लॉन्च किया गया है। क्या है, तो टाइप जो है 055 के नाम से ये है। ठीक है, हमारे इंडिया का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर है उससे ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो इससे आपको क्या है, प्रोजेक्ट 15B जो है आपका ये किससे है, तो विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर से है और इससे ही काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस कभी आपको कंपेयर करना पड़ा तो आप ये दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक के साथ हाथ मिला करके लॉन्च किया क्या, वोटर रजिस्ट्रेशन रिमाइंडर जो है कैंपेन लॉन्च की है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कैसे सोशल मीडिया का यूज़ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ भी कर सकती हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए और लोगों तक अपनी पहुँच को फैलाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक से हाथ मिला करके ये यूज़ किया है कि वोटर को रिमाइंड करा सकें कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो लोग पहली बार एलिजिबल हो रहे हैं, क्योंकि जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया को ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, उस पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 के तहत इस्टेब्लिश की गई। इसका काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि इलेक्शन की जो इलेक्टोरल रोल है उसको अप टू डेट लिस्ट को मेंटेन रखना। ठीक है, जो पर्सन जो है इंटाइटल्ड है वोट देने के लिए।
इसके अलावा ये कौन कौन से इलेक्शन कराता है, तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा तथा स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे है, 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन सब के ये इलेक्शन कराता है। इसके अलावा लोकसभा में कितनी सीटें जो है रिजर्व होंगी, स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीटें रिजर्व होंगी, इसके लिए भी जो है ये ही डिसाइड करता है। MPs और MLA के क्वालिफिकेशन को भी जो है इस पर ये अपनी राय प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी आपके MLA को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस पर जो राय आई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पे को लेकर के, किसने दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने ही अपनी राय दी थी, ठीक है। और डिटरमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, ये भी यही करता है इलेक्शन कमीशन ही। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ओडिशा जो है पहला ऐसा स्टेट बन रहा है इन द कंट्री टू ओपन ए ब्लॉक बैंक, ब्लड बैंक फॉर जो है कैटल, कैटल्स के लिए ब्लड बैंक खोलने वाला, मतलब कि जैसे ह्यूमन का ब्लड बैंक होता है वैसे कैटल्स के लिए ब्लड बैंक खोलने वाला जो है उड़ीसा पहला स्टेट बन रहा है। तो बस इतना याद रखिएगा कि कैटल्स के लिए ब्लड बैंक किस स्टेट में खुल रहा है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में खुल रहा है, ठीक है, बस इतना आपको जानना है नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक। अगला है डॉक्टर मनोज सोनी ने UPSC के मेंबर के रूप में शपथ ली, UPSC के मेंबर के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ ली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और सबसे यंगेस्ट पर्सन जो वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का हुआ इंडिया में वो यही है, कौन, मनोज सोनी है। तो ये तो इनके अचीवमेंट है। UPSC देख लीजिए, UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एक ही काम है कंडक्ट करना प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंडिया में, ठीक है। आर्टिकल 315 इसे डील करता है, आर्टिकल 315 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये जो आपकी UPSC है वो एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कंसिस्ट होगी उससे, और इनको अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। चेयरमैन और ये जो मेंबर हैं ये इनका जो है ऑफिस का टेन्योर 65 साल या फिर जो है 6, ठीक है, 6 साल या फिर जो है 65, जो भी इसमें से जो है पहले आ जाएगा, अर्लियर होगा वही जो है माना जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 316 में जो है कहा गया है कि आर द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट और जो है टर्म ऑफ ऑफिस किसका, मेंबर्स का, वो इसे डील करता है। इंडिया नीदरलैंड ने 3 एग्रीमेंट को साइन किया, नीदरलैंड की लोकेशन आप देख लीजिएगा, नीदरलैंड ने जो है इंडिया की एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के एंट्री को जो है सपोर्ट भी किया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसमें अभी तक इंडिया पार्ट नहीं बन पाया है, ठीक है, कल्चर में, वाटर कोऑपरेशन में और सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए जो है इंडिया और नीदरलैंड में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। नीदरलैंड को डच बोलते हैं और डच जो आए थे, हॉलैंड जो वाले जो आए थे वो नीदरलैंड ही है, ठीक है। नीदरलैंड को वो कंट्री बोला जाता है जिसने जो है समुद्र से जो है ज़मीन निकल करके वहाँ पे अपने आप को फिर बसाया है आगे, यानी समुद्र से इसकी लड़ाई डेली की चलती रहती है। इंडियन आर्मी मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट पाएंगी, ठीक है। तो कहाँ से मिल रहा है इनको, तो कानपुर बेस्ड एक MKU इंडस्ट्री है वो जो है, जो कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आपका और उसके जो है प्रोग्राम, सिक्योरिटी काउंसिल जो प्रोग्राम होता है उसमें जो है बुलेट प्रूफ जो है हेलमेट से प्रोवाइड करती है, वो इंडियन आर्मी को मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अभी तक के जो हेलमेट होते थे वो पीछे पूरा कवर नहीं करते, सिर्फ फोरहेड ही कवर करते, तो वो चीज़ को, कमी को ये दूर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड का पहला ATM जो है सेलिब्रेट किया अपना 50वां बर्थडे। तो पहला ATM वर्ल्ड का कहाँ पे, तो UK में ही लगाया गया था, ठीक है, UK में लगाया गया था। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 27 जून 1967 को जो है बार्कले बैंक लंदन में जो है सबसे पहली बार जो है ये चीज़ लगा था, ठीक है। बार्कले बैंक इनफील्ड नॉर्थ लंदन में जो है ये ATM पहला लगा हुआ था, और इससे इंग्लिश एक्टर रेग वार ने, ये पहले बंदे थे जिन्होंने जो है ATM से पैसा निकाला था, ठीक है। तो उसका 50 साल पूरा हो गया। नेक्स्ट अगला क्या आता है कि EU ने गूगल के ऊपर 2.42 बिलियन यूरो का जो है फाइन मारा है। क्यों? क्योंकि जो है गूगल ने अपने सर्च इंजन की कैपेबिलिटी का यूज करते हुए ब्रीच किया है एंटी ट्रस्ट रूल को और इलीगली जो है फेवर किया है अपनी शॉपिंग सर्विसेज को, ठीक है, इलीगली फेवरिंग इट्स शॉपिंग सर्विसेज। यूरोपियन कमीशन रेगुलेट्स EU के कंपटीशन रूल्स को भी जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से EU ने जो है इस पर क्या किया है, फाइन मारा है गूगल पे। अगला क्या है, कौशिक बसु जो है वो
IEA इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन उसके जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो कौशिक बसु जो हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। कौन है कौशिक बसु? तो कौशिक बसु जो कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे 2009 से 2012 तक, ठीक है, और इसके बाद वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है वर्ल्ड बैंक में काम किया इन्होंने 2012 से 16 तक में। और इसके बाद ये वैसे भी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन वर्ल्ड के सब सारे जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक ग्लोबल एसोसिएशन है और उसके प्रेसिडेंट जो है अभी ये नियुक्त किए गए हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल यहाँ पे रहेगा। समझ लीजिए सबसे बेस्ट जो माइंड्स आते हैं उनका जो है मतलब इकोनॉमिक्स का उनका जो है एक एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के जो है ये इस बार बने हैं 3 साल के लिए। इंडिया से कोई पहले भी इसका प्रेसिडेंट बन चुका था? हाँ, अमर सेन इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। BCCI ने एक कमेटी फॉर्म की है टू ओवरसी लोढ़ा पैरेलल रिफॉर्म्स। BCCI ने जो है लोढ़ा पैरेलल रिफॉर्म जो था उसको जो है चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और क्या क्या जो है स्टेट यूनिट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए एक जो है कमेटी का नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए। लोढ़ा पैरेलल कमेटी आपको पता है 2014 में जो है ये अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रिकमेंड करें BCCI में कैसे जो है चीज़ें चेंज की जाएँ, कैसे जो है फ्रॉड को रोका जा सके और कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है रोका जा सके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में। स्पॉट फिक्सिंग जो IPL में हुई थी उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था ताकि जो है सारे इशूज़ को हटा करके रिजॉल्व कर सकें, जो है इशू ऑफ जो है गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी को ला सकें और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है BCCI से हटा सकें। ठीक है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने ये कहा था कि कोई भी बंदा जो होगा नो ऑफिशियल शुड होल्ड ए पोजीशन मोर देन जो है 3 टेनर के द्वारा जो है नहीं ले सकता और वो भी ईच ईयर जो है 3 मतलब 9 बार टोटल। ठीक है, विद नो 2 consecutive terms, 2 consecutive terms नहीं होंगे। इसके बाद एज गैप जो है 70 के बाद जो है आपका एज नहीं हो सकता, मतलब कि आप जो है ऑफिस भी नहीं हो सकते हैं और कोई भी मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट जो है वो इसका जो है मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? अगली न्यूज़ हमारी है कि फसाई ने इशू किया है ड्राफ्ट रेगुलेशन किसके लिए? ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, फसाई ने इशू किया है ड्राफ्ट रेगुलेशन किसके लिए? ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं था। ठीक है, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, कितने उसकी मार्किंग होगी, क्या हर एक कंपोनेंट जो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा उसकी जो है लिस्टिंग होनी है या नहीं होनी है, ये सब चीज़ें जो है मेंशन नहीं थी। तो इन सबको क्लियर करते हुए जो है और इसके नाम पे बहुत सी ठगी हो रही थी तो इसके लिए जो है फसाई ने चीज़ों को क्लियर कर दिया है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लेके आया। अभी ये परमानेंट नहीं हुआ है, इसमें कुछ सुधार होंगे, उन सुधारों के बाद जो है एक परमानेंट लेकर के आएगा जो कि आपका फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो वही चीज़ होगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, इंश्योर करें कि एथेंटिसिटी उनकी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्या है उसके लिए जो है ये लेकर के आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है फसाई देख लीजिएगा। फसाई जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसका फूड सेफ्टी को चेक करना ये इसका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला, US टू डिक्लेयर चाइना एमंग वर्स्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स। ठीक है, तो US जो है हर साल एक वर्ल्ड में कितना ट्रैफिकिंग मतलब जो है या तो वो देश उस रूट का पार्ट है जिससे जो है ट्रैफिकिंग की जाती है, मानव तस्करी की जाती है, या फिर वहाँ पे मानव तस्करी जो है बहुत ही धड़ल्ले से होती है, तो उसमें जो है चाइना के नाम को जो है लोग डालने वाले हैं। ठीक है, और इस साल चाइना का नाम Tier 2 में हुआ करता था, इस साल इसको जो है उठा करके Tier 3 में करने वाले हैं। इस तरह से चाइना जो है नॉर्थ कोरिया, जिम्बाब्वे और सीरिया की कैटेगरी में आ जाएगा जो कि सबसे वर्स्ट जो है जहाँ पे आपका ट्रैफिकिंग का लॉ है। और ऐसा आने के बाद ये अधिकार होता है कि उस पर जो है लोएस्ट कैटेगरी में आने के बाद चाइना को क्या कर सकते हैं, चाइना के ऊपर जो है ये US चाहे तो बहुत से जो है प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो इन प्रतिबंधों को नेशनल इंटरेस्ट में जो है हटा सकता हो। ठीक है, सैंक्शन लग सकता है विद होल्डिंग नॉन ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस जो होंगे सारे विदड्रॉ किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। ठीक है, चाइना पहले भी हुआ था और इस पर जो है इन लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो सिंपल समझिए ये स्टिक टाइप का है, जिसके पास पावर होगी उसको लोग नहीं बोलते टाइप ऑफ चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की US विजिट से क्या क्या चीज़ें मेन मिली हैं? तो मेन चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो जो मेन हुआ था उस टाइम पे
27 जुलाई के आसपास वो गए थे यूएसए। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को एक्यूज़ किया गया है कि भाई जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप मत फैलाओ, अगर आप फैलाओगे तो आपके ऊपर जो है, और पठानकोट और जो मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स हैं उनको जो है आप जल्दी जल्दी सजा दिलवाओ। ड्रोन के लिए जो है इन्होंने तो जो आपका गार्जियन जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो इंडिया को जो बेचा जाएगा इस पर श्योर हो गए हैं। हिजबुल चीफ को जो है आतंकवादी का डिजिग्नेशन दे दिया गया है। ट्रेड बैरियर जो था उसमें दोनों जो है फेयर और रेसिप्रोकल ट्रेड रिलेशन जो है मेंटेन रखेंगे। जीएसटी आने से जो है खुश हुए हैं, अमेरिका ने इसको वेलकम किया है। नेवल एक्सरसाइज जो मालाबार होती है दोनों के बीच में वो जो है कंडक्ट होगी, उसमें जापान भी ज्वाइन करेगा। अफगानिस्तान पे इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएसए जो मिलकर के जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है प्रयास करने का काम करेंगे, ठीक है, और इस कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और पीस लाएंगे वहाँ पे। नॉर्थ कोरिया का इस तरह से जो है मिसाइल टेस्टिंग करना वो वर्ल्ड की पीस के लिए जो है खतरा है, और एरिया कोऑपरेशन उनका जो है ट्रेड कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के एरिया में ये सब जो है कोऑपरेशन इनका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट क्या है, रोमानिया। रोमानिया के जो है मिहाई टूडोस जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको भूल जाए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना फैक्ट बॉस क्या है। इसरो सेटेलाइट बेस्ड चिप फॉर अनमैंड रेलियर क्रॉसिंग्स के लिए। इंडिया में आपको पता है कि हमारा एक टारगेट है कि हम 2020 तक जो है जितने भी अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग हैं उनको हम हटा देंगे, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही तब तक के लिए जो है इसरो जो है सेटेलाइट बेस्ड चिप का यूज़ कर रहा है, और उससे जो है अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग पे वो क्या करेगा, वहाँ पे हूटर जो है आराम से, एक जो ट्रेन में चिप रहेगी, दूसरी जो है वहाँ पे सिग्नल रहेगा, जब ट्रेन आने वाली होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे हूटर जो है अपने आप जो है हूट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेटेलाइट डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ को हटाने के लिए, और 40% तक हम इस दुर्घटना को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। श्रीनिवासन गोकुलनाथ बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू सोलो फिनिश रेस अक्रॉस अमेरिका। आपको पता है कि ये अगर यूएसए की अगर हम बात करें, ठीक है, ये यूएसए आपका पूरा यूएसए जो है ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ से साउथ जो है ये कितना, तो ये जो है 4941 किलोमीटर है। तो अक्रॉस अमेरिका जो है एक रेस होती है, उस रेस को कंप्लीट करने वाले श्रीनिवास गोकुलनाथ जो है पहले भारतीय बने हैं, और इस साल दो लोगों ने इसको क्रॉस किया है। एक जो है श्रीनिवास गोकुलनाथ जो कि आर्मी डॉक्टर हैं, इसके अलावा एक और डॉक्टर जो है नागपुर के वो अमित समर्थ, इन दोनों लोगों ने इसको जो है क्रॉस किया है, क्रॉस अमेरिका रेस को। नासा का अपॉर्चुनिटी जो है मार्स रोवर, उसने एविडेंस प्राप्त किया है एंशियंट लेक का, कि मार्स पे अपॉर्चुनिटी क्या, पहली बात तो आप याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अपॉर्चुनिटी जो है मार्स पे एक रोवर है। रोवर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि उस पर चलता है, ठीक है, मार्स पे चल रहा है। किसने भेजा है, तो इसको नासा ने भेजा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कब भेजा गया था, तो याद रखिएगा कि इसको जो है 2003 में जो है इसको भेजा गया था, और 2004 में ही वहाँ पहुँचा था, ठीक है, और तब से वहाँ पे देख रहा है। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे जो है एंशिएंट लेक के एविडेंस मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्लियर किया $250 मिलियन के लोन को स्किल इंडिया मिशन के लिए। भारत में स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक $250 मिलियन के लोन को जो है वो किया है। आपको पता है कि स्किल इंडिया मिशन क्या है, ये ऑपरेशन, ये 6 साल का नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोग्राम है 2017 से लेकर के 23 तक, जिसमें जो है 15 से 59 साल की एज ग्रुप के बंदों को उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है स्किल के आधार पर नई नई स्किल प्रोवाइड की जाएगी, और उनको जो है कुछ लोगों को फिर से रीस्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपने आप को जॉब मार्केट के हिसाब से जो है मेंटेन कर सकें और नई से नई जो है जॉब ले सकें। HRD मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट किया है क्या, HRD मिनिस्ट्री में ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसने जो है के कस्तूरी रंगन पैनल को जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए जो है एक वो बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, के कस्तूरी रंगन पैनल जो है किस चीज़ संबंधित है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है आपका HRD मिनिस्ट्री ने। 9 मेंबर्स की कमेटी है, 8 मेंबर क्या कस्तूरी रंगन प्लस एक, ठीक है, चेयरमैन इसके जो कस्तूरी रंगन है इनको लेकर के, ठीक, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा 2015 में जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने HRD मिनिस्ट्री ने TSR सुब्रमण्यम की जो है सेक्रेटरी जो थे यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई थी, ठीक है, ये सिंगल मेंबर कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, और उसके बाद जो है अब एक कस्तूरीरंगन कमेटी बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए।
इसके पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ चुकी हैं। सबसे पहले जो है राधा कृष्ण कमीशन 1948 और 49 में बना था, राधा कृष्ण कमीशन हायर एजुकेशन के लिए। फिर मुदलियार कमीशन जो है 1952 में बनता है, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना था। याद रखिएगा, राधा कृष्ण कमीशन जो है 48-49 में ये हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया था, और मुदलियार कमीशन 1952 में तुरंत बनता है, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बना था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका कोठारी कमीशन जो है, कोठारी कमीशन ये आपका 64 से 66 में आता है, ठीक है। कोठारी कमीशन की ही मैंडेट पे गवर्नमेंट ने डेवलप किया है आपका एजुकेशन सभी स्टेज पे और सभी एस्पेक्ट में जो आज चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसी पे जो है एजुकेशन पॉलिसी 1968 की जो है ये फ्रेम की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपका कस्तूरीरंगन पैनल जो है इसमें गठित किया गया है। तो ये आपका एक हफ्ते की पहली न्यूज़ है जून के, इसको आप रिवाइज़ कीजिए, नेक्स्ट हफ्ते का फिर हम इसके साथ आते हैं। धन्यवाद।